हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स, 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड करंटली वी आर वर्किंग ऑन 11th एंड 12th सीरीज। तो आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना 12th फिजिक्स के रिगार्डिंग। और 12th फिजिक्स में हमने अब तक क्या पढ़ लिया? अब तक हमने रिसेंटली हम लेक्चर्स की बात करें तो रिसेंट में हमने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। एंड बिफोर दैट लेक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट विद यू, दैट इज द हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सो अब तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया। पहले जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था, उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया वो किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जो है हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं पोटेंशियल कैलकुलेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, एंड वी हैव ड्राइव्ड ड्राइव्ड ए फॉर्मूला दैट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बताए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स या हम ऐसे बोल सकते हैं कुछ पोटेंशियल कैलकुलेशन, कुछ पर्टिकुलर बॉडीज थी जिसमें हमने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ सेमी इनफाइनाइट चार्ज्ड रोड है। सेमी इनफाइनाइट चार्ज रोड के कारण एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के ऊपर हम इस पॉइंट पी के ऊपर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताया था, ठीक है। कैसे किया था? इसको हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स की फॉर्म में माना था कि इस टोटल जो अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो अपने पास एक रोड है, उस रोड को छोटे छोटे अल्पांशों में डी क्यू इजक्वल टू लेमडा डी एक्स, इस छोटे से चार्ज एलिमेंट में हमने इसको तोड़ा था। तोड़ करके हमने यहाँ से एक डिस्टेंस एक्स ली थी और इसके कारण हमने डी वी इक्वल टू हमने निकाला था के डी क्यू अपॉन एक्स, और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया था। साथ ही साथ में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, यदि याद हो तो आपने किया हो, हमने एक सर्कुलर एक सीट ली थी, एक सर्कुलर सीट ली थी जिसके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा दे रखा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा दे रखा था। यहाँ से जेड डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से जेड डिस्टेंस के ऊपर हमने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल। जेड डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमने बताया था कि कैसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई पोटेंशियल, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो वैसे हमने इसके लिए हमने क्या किया था, एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाकर एक अल्पांश लिया था डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। इस सिचुएशन में जो डी क्यू होगा वो होगा सिग्मा इंटू डी ए, डी ए जो अपने पास आ गया था, ये अपने पास डी फाई एंगल लिया था हमने और आर डी फाई लिया था, यहाँ से हमने बोला एक्स और ये हो गया एक्स डी फाई अपने पास आ गया था, ये एक्स डिस्टेंस हो गई और ये अपने पास, ठीक है, डी आर डी फाई हो गया था, ये हो गया था डी एक्स और यहाँ पर हो गया एक्स डी फाई, ठीक है, ये हो गया एक्स डी फाई, ये अपने पास कुछ एलिमेंट लिया था और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया था। डी वी जो अपने पास किया था वो हुआ था अपने पास के डी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस जो हमने यहाँ से ली थी, ये जेड बोल दिया, ये हमने बोला एक्स, तो ये अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपने पास यहाँ पर पुट कर दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया, कुछ इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया था। तो पोटेंशियल हमने बताया, कुछ दो न्यूमेरिकल्स लिए थे, कुछ दो अपने पास ये वाला एक नंबर और यह वाला दो नंबर हमने कुछ डिस्कशन में किया था आपको, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, यहाँ पर इसके इन द केस ऑफ ए डिस्क और इन द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट ए चार्ज्ड रोड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। अब यदि हम इसी सीरीज में कुछ और हम न्यूमेरिकल्स डिस्कशन में लें या कुछ ऐसे अपने पास कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करें तो वो देखिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं।
कुछ क्वेश्चंस को। अब हम बात करें, देखो जैसे कि हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कशन में लिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन बोल दो, एग्जांपल बोल दो, न्यूमेरिकल बोल दो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन थर्ड की हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करें कि हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, हमने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम बात बताएंगे आपको कुछ कि कोई भी मान लो ये रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में यदि आपके पास कोई ए पॉइंट दे दिया जाए या कोई बी पॉइंट, दो पॉइंट दे दिए जाए, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी, और इस रीजन में आपके पास यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो ये फॉर्मूला हमने आपको ड्राइव करके बताया था। यदि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ए पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं बी पॉइंट को हम क्या करते हैं जीरो कर देंगे, टेंड्स टू जीरो, कहाँ, जब हम बी को इनफाइनाइट कर दें, ठीक है। या हम एक पर कैलकुलेट करना चाहें, तो यदि हमें बी के ऊपर कैलकुलेट करना चाहें तो वी ए को जीरो कर देंगे जब हम ए को इनफाइनाइट पर भेज दें, कोई भी कर सकते हो। तो किसी भी रेंडम पॉइंट यदि आप पी की बात करें, किसी पॉइंट पी के ऊपर आपको निकालना है पोटेंशियल, तो सिंपल इनफाइनाइट टू पी और ई वेक्टर डॉट डी आर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं एट ए जनरल पॉइंट फाइंडिंग द कैलकुलेटिंग एनी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी बाई द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली कॉन्सेप्ट है हम यूज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, और ये हम कैलकुलेट हम यूज़ में लेंगे हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू पॉइंट बाई द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, ठीक है। ये वाली हमने कैलकुलेट किया था, कैसे हमने ड्राइव किया था इसको, ठीक है, ये अपने पास हो गया था। साथ ही साथ हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो देखो वी बी माइनस वी ए हमने आपको बताया था कि ये जो होता है अपने पास होता है यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू, ठीक है, बताया था। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने आपको एक बात बताई थी कि यदि आपको किसी पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो वो और कुछ नहीं होता, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल और कुछ नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही होती है पोटेंशियल उसका उस पॉइंट के ऊपर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, एक सेकंड, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता हो भाई, किसी भी पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, या पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वेन एवर वी ब्रिंग एनी चार्ज, सपोज वी आर ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू, सपोज वी आर ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मान लीजिए हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज क्यू को हम लेके आ रहे हैं, जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज क्यू को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके आते हैं किसी पॉइंट पी के ऊपर, तो उसको जब हम लेके आते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज क्यू को लाने के लिए। और वो जो वर्क है हमारे द्वारा किया गया जो वर्क है उस पॉइंट पी के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। हमें पता है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जब भी हम किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं, कंडीशन इज दैट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, वी आर मूविंग द चार्ज वेरी लाइक क्वासिस्टेटिक प्रोसेस होती है, जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट होती है और बहुत स्लो प्रोसेस होती है।
तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो जो होती है अपने पास, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और हम उसको बोलते हैं किसी भी पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से चार्ज को हम लेके आए तो वो जो वर्क है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ये वाली कुछ प्रोसेस हमने आपको बताया था, जनरल सा डिस्कशन हम वापस से कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ताकि वापस से टॉपिक वो कनेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ हमने किया, साथ ही साथ हमने रिसेंटली दो एग्जाम, अब देखो कुछ और हम एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, दो अपने पास एग्जाम्पल हो चुके हैं पहले ही, अब आगे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन में लेते हैं आपके साथ। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखिए मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी रिंग के कारण। मान लीजिए एक रिंग दे रखी है आपको, ठीक है, और ये वाली जो रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज अपने पास क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर पर आपको पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए चार्ज की जो वैल्यू वो क्यू है। तो देखिए एज वी नो पोटेंशियल जो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मान लीजिए हमें इस पॉइंट ओ के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये छोटा सा हमने एक अल्पांश लिया डी क्यू चार्ज का, ठीक है, डी क्यू हमने एक अल्पांश ले लिया चार्ज का, इस डी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस के ऊपर यदि हम पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू, मान लीजिए डी क्यू चार्ज एलिमेंट के कारण आपको निकालना हो पोटेंशियल, तो हम बात करते हैं डी वी इक्वल टू अपने पास हो जाता है डी के डी क्यू अपॉन आर, और फिर हमें यदि कंप्लीट रिंग के कारण निकालना तो हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो वी जो अपने पास हो जाएगा के अपॉन आर, देखिए आर जो वो कॉन्स्टेंट रहेगी सभी एलिमेंट्स के कारण, और इंटीग्रेशन में डी क्यू जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा जीरो से कैपिटल क्यू चार्ज इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला। तो ये जो है के क्यू अपॉन आर, ये सिंपल वही पोटेंशियल है जब कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण, किसी एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस के ऊपर आपको यदि पोटेंशियल पूछ लिया जाए, किसी चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस के ऊपर यदि आपको पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो कितना आता है के क्यू अपॉन आर, सेम ही आता है। और सिंपल वी गेट दिस फॉर्म इन द केस ऑफ ए चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव का चार्ज का जो टोटल एडिशन हो जाएगा के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, सिंपल इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये बात। अब यदि हम बात करें यदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो, ये अपने पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अब यदि आपके पास यदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए तो यदि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो जो फॉर्म है फॉर्मूले की चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है यदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अपने पास जो टोटल जो चार्ज आएगा वो तो केवल चार्ज क्यू ही आएगा, भाई कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो डजेंट मैटर, बिकॉज इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट ऐड होगा, तो जितना भी हम ऐड करेंगे अल्टीमेट फॉर्म तो क्यू ही आएगा टोटल चार्ज, तो वो चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो डजेंट मैटर, अल्टीमेट जो फॉर्म आएगी वो ये आएगी के क्यू अपॉन आर, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करें यदि इस रिंग के कारण मान लीजिए ये वाली रिंग है अपने पास,
और यूनिफॉर्मली चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए एक्स डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी है, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो सिंपल हम बात करें, देखिए ये एक रिंग है, ये इसकी होगी रेडियस। हमें निकालना इस पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल इस रिंग के कारण। तो इस रिंग के कारण यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप ये देखोगे कि ये जो रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। बट वी नो दैट द फॉर्मूला, या हम ये बोल लें वी हैव ड्राइव द फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर फॉर ए पॉइंट चार्ज। सो पॉइंट चार्ज तो नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इसको पॉइंट चार्ज बनाएंगे। पॉइंट चार्ज बनाने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की सहायता से हम ये बोले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी क्यू, और डी क्यू जो होगा अपने पास होगा लेमडा, अपने पास डी एल, ठीक है, ये डी एल जो अपने पास हो गया अल्पांश एलिमेंट हो गया। अब देखिए लेमडा की फॉर्म कुछ भी दे सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो या अपने पास नॉन कंटिन्यूस हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी दे, इंटीग्रेशन में आ जाएगा। देखिए अपन बोले डी वी जो होगा वो अपने पास होगा के डी क्यू अपॉन आर हो जाएगा। आर जो हो गई यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, देखिए ये वाली जो है ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये हो गई आर, तो ये हो गई आर, और आर की जो वैल्यू होगी अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डी वी हो गया वो हो जाएगा के डी क्यू अपॉन अंडर रूट में अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम टोटल अपने पास टोटल रिंग के लिए चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में अपने पास देखिए ये वाली नीचे वाली फॉर्म में ये सभी रिंग के कारण कांस्टेंट आएगी। देखिए ये वाली जो है सारे जो अपने पास एलिमेंट्स है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर है, और वो डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। एक रिंग के कारण किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर सभी एलिमेंट्स की जो अपने पास डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, और वो होगी कितनी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वो होगी कांस्टेंट। तो हम इसको बाहर ले लेंगे और अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और डी क्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वाली अपने पास हो जाती है पोटेंशियल कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी पोटेंशियल को कैलकुलेशन हम अनदर फॉर्म से भी कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी एंड ई वेक्टर डॉट डी आर। ये वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं जो अभी अभी हमने ड्राइव किया रिसेंट लेक्चर्स में। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यूज हमें पूछ रहा है कि भैया आपको बताना है, ये अपने पास एक रिंग दे रखी है, आपको बताना ये है कि रिंग दे रखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और इसकी डिस्टेंस अक्स के ऊपर हमें निकालना है, किसी पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। क्या दे रखा है, पोटेंशियल निकालना पॉइंट पी के ऊपर, और ये चार्ज दे रखा है क्यू। तो सिंपल हम बात करें कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, वी पी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यदि हम बात करें इस रिंग के कारण, इसे रिंग के कारण, अरे इस पॉइंट पी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस प्रकार से फॉर्म होती है नहीं होती, स्टार्टिंग के लेक्चर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमने की तब हमने आपको बताया था कि किसी भी रिंग के कारण इसकी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है, तो सिंपल वी पी जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी, पी जो है अपने पास ये हो गया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम बात करें तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2, और एक्स एक्स ये हो गया dx। सिंपल, बहुत बढ़िया। आप देखिए वी पी की हम बात करें इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो गया p। अब हम कैसे करेंगे भाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे इसको उसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापित करेंगे x प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को t स्क्वायर से कर देंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x dx इक्वल टू 2t dt, और x dx हो गया अपने पास k q, और x dx हो गया अपने पास t dt हो गया, और यहाँ पर हो गया t³ हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट p k q अपॉन ये हो गया t² एंड dt। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो इंटीग्रेशन करेंगे तो k³ अपॉन t इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पी है, वो अक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पर अक्स की लिमिट आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा देखना जरा KQ 1/t की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें अंडर रूट में r² + x², और यहाँ पर लिख देते हैं इन्फिनिटी एंड अक्स, ठीक है, यहाँ पर ये वाला। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, KQ√ में r² + x² - 0। तो ये वाली फॉर्म अपने पास आ जाती है पोटेंशियल की। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल आपको सेम ही दिख रहा होगा। क्यों सेम है, क्योंकि अपने पास जो सिस्टम है वो सेम है, बस हमने मेथड चेंज किया है। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन यदि पता हो, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके इसके पॉइंट पी के ऊपर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ ए पॉइंट चार्ज कॉन्सेप्ट। वी नो दैट पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी डिस्टेंस अक्स के आर के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/r, और फिर हम क्या कर दिया उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये वाली अप्रोच भी हम यूज में ले सकते हैं। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट सिस्टम हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करें तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हाँ तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करें। तो देखिए नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करें तो चलिए हम एक रोड ले लेते हैं, वापस से वही रोड लेंगे। देखिए हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास एक रोड दे दिया जाए, ये वाली एक एल लेंथ की रोड दे दी जाए, और इसके पास चार्ज जो है, चार्जेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए ये एल लेंथ की एक रोड दे रखी है आपको, ठीक है, टोटल चार्ज इसके पास दे रखा है, टोटल चार्ज आपको दे रखा है क्यू, और इसकी अक्सिस के ऊपर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना, मान लीजिए इस पॉइंट पी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है इस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये आर डिस्टेंस है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे रे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेट करने का हमने को सीधा सा अपने पास जो मेथड है, या तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इन्फिनिटी टू पी एंड ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो या आप कर सकते हो किसी पॉइंट पी के ऊपर क्या होगा, KdQ/r, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों से हम कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में क्या इस रोड के कारण आपको किसी पॉइंट पी के ऊपर या किसी रैंडम पॉइंट के ऊपर इसकी एक्सिस के ऊपर क्या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन पता है क्या, नहीं पता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें चार्ज एलिमेंट डी क्यू लेना पड़ेगा। सो सिंपली वी टेक एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, लेट अस टेक एट एक्स डिस्टेंस द चार्ज एलिमेंट डी क्यू, द चार्ज एलिमेंट डी क्यू, मान लीजिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेमडा दे रखा है, ये चार्ज डेंसिटी है। अब ये चार्ज डेंसिटी या तो कॉन्स्टेंट हो सकती है या वेरी कर सकती है, वॉट एवर, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अपने पास हो जाएगा लेमडा इन टू डी एक्स। तो क्या होगा, डी वी जो होगा अपने पास KdQ/ कितना होगा, अक्स होगा, अक्स डिस्टेंस के ऊपर, इस चार्ज एलिमेंट के कारण अक्स डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा डी वी इक्वल टू KdQ/x, डी क्यू की वैल्यू हम कर देंगे लेमडा डी एक्स अपॉन अक्स हो गया। लेमडा अपने पास या तो डिस्टेंस के ऊपर, या तो लेमडा जो है कॉन्स्टेंट हो सकता है या लेमडा अक्स का फंक्शन हो सकता है, वॉट एवर जो भी क्वेश्चन में देगा वो हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए, अब हमें यदि टोटल हमें रोड के कारण यदि पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दें, KlmdaDx/x, अक्स की जो लिमिट है
यहाँ से देखिए ये R से R प्लस एल तक हो जाएगी, R से R प्लस एल तक हो जाएगी, तो ये वाला जो पोटेंशियल हो जाएगा लेमडा मान लीजिए कॉन्स्टेंट है, लेट अस टेक लेमडा इज कॉन्स्टेंट गिवन, लेमडा क्या है कॉन्स्टेंट, तो लेमडा बाहर आ जाएगा और वन अपॉन एक्स हो जाएगा एल एन एक्स, और जो लिमिट है वो हो जाएगी आर टू आर प्लस एल, तो वी जो हो जाएगा के लेमडा एल एन आर प्लस एल अपॉन आर, ये वाला हो जाएगा अपने पास पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल, किसी पॉइंट पी के ऊपर आपको पोटेंशियल दे दिया इस प्रकार से, वी इक्वल टू के लेमडा एल एन आर प्लस आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये एक्सेल के ऊपर है, आप इक्वेटोरियल पर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको इक्वेटोरियल पर निकालना हो तो क्या करोगे, अरे क्या करोगे इक्वेटोरियल के ऊपर, मान लो सर आपको दे दिया जाए इस प्रकार से एक रोड दे दी जाए, चार्ज क्यू दे दिया जाए, चार्ज डेंसिटी लेमडा दे दी जाए और लेंथ जो है एल दे दी जाए, और इसके कारण इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन, इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस जो है इसके सेंटर से इक्वेटोरियल डिस्टेंस, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है, क्या है मान लीजिए ये आर डिस्टेंस है, हमें कोई सी पॉइंट पी के ऊपर आपको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, तो अगेन वी कैन यूज दीज टू मेथड्स टू कैलकुलेट पोटेंशियल, बट वी डोंट नो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजिशन ड्यू टू द रोड, सो वी यूज द सेकेंड मेथड, एंड बाई द यूजिंग ऑफ सेकेंड मेथड वी टेक ए स्मॉल चार्ज एलिमेंट सपोज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और लेट अस टेक डी क्यू ए चार्ज एलिमेंट, एंड वॉट इज द डी क्यू, डी क्यू विल बी लेमडा इन टू डी एक्स, बिकॉज एट एक्स डिस्टेंस वी टेक द सिमिलर फॉर्म ऑफ द लेंथ डी एक्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट पी के ऊपर, अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, अरे पॉइंट पी के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम डिस्टेंस देखेंगे, ये हो गई एक्स, ये हो गई आर, तो अपने पास जो डिस्टेंस हो गई बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये कितना हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। सो नाउ डी वी, डी वी जो हो जाएगा अपने पास के डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डी एक्स अपॉन, डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाई द इंटीग्रेशन मेथड वी कैलकुलेट द पोटेंशियल, एंड लिमिट क्या होगी भाई, अब लिमिट देखिए यहाँ से क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये जो है वो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक इसकी एक्स की लिमिट हो जाएगी, के लेमडा सपोज लेमडा इज कॉन्स्टेंट तो लेमडा हमने बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे बाय द यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है अपन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, सही है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही आपको जनरल पॉइंट के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो जनरल पॉइंट के ऊपर आप पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर भी कर सकते हो, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म यदि दे दी जाए तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है, अरे भाई हमें पता है कि किसी एक रोड के कारण, ठीक है, ये अपने पास क्या है एक चार्ज रोड दे दिया जाए, ठीक है, किसी चार्ज रोड दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए किसी डिस्टेंस डी के ऊपर, किसी पॉइंट पी के ऊपर आपको क्या पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया जाए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, दो तरीके हैं, ये ही वाला, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला यूज करो, ठीक है। तो ये वाला यूज करोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y डिस्टेंस के ऊपर क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे डी वाई एलिमेंट ले, यहाँ से डिस्टेंस डाल लेंगे और फिर इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, मान लीजिए इसकी लेंथ एल दे दिया जाए, तो कैसे भी हम कर सकते हैं, रेंडम पॉइंट के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला, अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए ये जो रोड है, ये रोड है वो इनफाइनाइट रोड है, ठीक है, मान लीजिए ये रोड जो है वो इनफाइनाइट रोड है, इस प्रकार से मान लीजिए जो रोड है वो क्या है, इनफाइनाइट रोड है इस प्रकार से, तो क्या इस पॉइंट पी के ऊपर हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या रे, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल बात है, क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं क्या, देखो यहां पर जब भी किसी पॉइंट पी के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, इन्फिनिटी से
प्लस एक कूलाम चार्ज को लाने में किया गया वर्क ही उस पॉइंट पी के ऊपर उसका पोटेंशियल होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। अब इस पॉइंट पी के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से प्लस वन कूलाम चार्ज को लेके आओगे, साथ ही साथ आपको क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल जीरो है। क्यों क्यों जीरो है इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल? क्योंकि वहां पर कोई चार्जेज है ही नहीं। अरे भाई हमने बताया था आपको, मान लो कि ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है, इस पॉइंट पी के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना, तो हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते हैं प्लस वन कूलाम चार्ज को, और इन्फिनिटी इतना दूर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से, इतना दूर है, अरे इतना दूर है तो हम पहुँच नहीं सकते, चार्जेज पहुँच नहीं सकते, तो चार्जेज नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पर इन्फिनिट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। बट इन दिस केस हमने जो रोड है वो इन्फिनिटी तक ले रखी है। हमने रोड कहाँ तक ले रखी है? इन्फिनिटी तक ले रखी है। या रोड की बजाय आप कोई भी अनोदर सिस्टम ले लो। मान लीजिए आपने एक चादर ले ली, एक चादर ले ली आपने इस प्रकार से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटली लार्ज जो एक सीट ले ली इस प्रकार से, इन्फिनिटी तक ये एक्सपेंडेड है इस प्रकार से, तो क्या इसके कारण पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस केस में अपनी ये वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इनकन्वीनियंट हो जाएगी, और अपना वाला जो डेरिवेशन है ये वीपी वाले वो इनवैलिड हो जाएंगे इस वाले केस में। तो जब हम बात करें फाइनाइट बॉडीज की, केवल फाइनाइट बॉडीज के लिए ही हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जितने भी बॉडीज हैं या सिस्टम है उनके लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, इस पॉइंट ए और बी के बीच में, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए और बी के बीच में आप पोटेंशियल कैलकुलेट डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लो कि ए पॉइंट जो है यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आर वन दे दी जाए, और बी की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आर टू दे दी जाए, तो कैसे करोगे रे? हमें पता है, देखो सर, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ए टू बी, और ये होता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का। मान लीजिए देखो, यहाँ से हमें अक्स डिस्टेंस के ऊपर हम चलें, ये पॉइंट पी लिया हमने ये वाला, तो यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k λ/x, ये लेमडा चार्ज डेंसिटी इसकी। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में करवाया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में आपको कराया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इसका डेरिवेशन। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ए टू बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर एंगल तो जीरो डिग्री है, ठीक है, डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ होगी बाहर की ओर, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 2k λ/x, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। तो देखो, वी बी माइनस वी ए की बात करें तो माइनस 2k λ अपन ने बाहर ले लिया, और ये हो गया ln x, और यहाँ से जो है अपने पास जो लिमिट है वो अपने पास हो जाएगी R1 से R2, तो ये हो जाएगी R1 से R2 हो जाएगी। तो यहाँ से जो अपन कैलकुलेट करें तो वी बी माइनस वी ए इजक्वल टू अपने पास हो जाएगा माइनस का 2k λ ln R2 अपॉन R1, या हम ऐसे बोल सकते हैं 2k λ ln R1 अपॉन R2 बाय दी यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ln। तो ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रोड के कारण पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक, देखो दो तरीके हैं, इस पॉइंट पी के ऊपर आपको पोटेंशियल पता चल गया, बहुत बढ़िया। आपको यदि क्यू पर पोटेंशियल और पता चल जाएगा, डिस्टेंस रख दोगे और उन दोनों का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, सही है, बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं लेकिन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। अब्सोल्यूट वाली बात हो गई ना, लेकिन इन्फिनिटी तक लार्ज है उसके लिए हम नहीं निकाल सकते।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम सिस्टम की बात करें, पहले इसको नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट की हम बात करते हैं। चलिए लेट मी रेज दैट। अब हम बात करें किसकी, एक डिस्क के कारण। मान लीजिए एक चार्ज्ड डिस्क दे दिया जाए आपको, ठीक है, फिफ्थ नंबर हम बात करें, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक डिस्क दे दिया जाए, ये वाली आपके पास एक डिस्क दे दी, और ये जो है चार्ज्ड है अपने पास, क्योंकि ये एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो डेंसिटी यूज़ करते हैं वो हम करते हैं सिग्मा, और यहाँ से मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर रेडियस है, और यहाँ पर आपको किसी पॉइंट ओ के ऊपर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, कैसे करेंगे, दो बात, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना। तो सिंपल, या तो हम यूज़ कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर दिस फॉर्मूला, और वी कैन टेक वी पी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम इस सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता तो हम ये यूज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ओ के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक रिंग लेंगे, ठीक है, डी एक्स विड्थ की आपके पास एक रिंग हो गई, और उसका जो चार्ज हो गया डी क्यू वो हो जाएगा अपने पास सिग्मा डी ए, और सिग्मा डी ए जो हो जाएगा इसकी लेंथ इंटू विड्थ, तो इसकी जो सरकमफेरेंस है वो हो जाएगी अपने पास टू पाई एक्स, और जो लेंथ होगी डी एक्स ये हो गया डी क्यू। अब डी वी जो होगा इसके, इनके कारण सेंटर पर अभी हमने निकाला है किसी रिंग के कारण, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है के डी क्यू, ये हो गया इंटीग्रेशन अपॉन, ये हो गया एक्स। तो टोटल जो अपने पास सीट के कारण हो जाएगा के डी क्यू जो हो जाएगा सिग्मा टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन हो गया एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, सो एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और के सिग्मा हमने बाहर ले लिया टू पाई, ठीक है, यहाँ पर सही है, और डी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो वी जो होगा अपने पास सिग्मा आर अपॉन, के की वैल्यू हम पुट करेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये अपने पास हो गया पोटेंशियल, सिंपल, ये अपने पास इसके सेंटर पर हो गया एट सेंटर ओ। अब हम यदि इस रिंग के, इस डिस्क के कारण हमने कैलकुलेट कर भी लिया था, ये एक डिस्क थी हमने लिया था, यदि आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी आपके पास एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी के एक डिस्क है और उसके कारण जेड डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। आप इस डिस्क को चाहे ऐसे रखो चाहे हॉरिजॉन्टल में ऐसे रखो, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस प्रकार से रखी थी, इस डिस्क को जेड डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या निकाला था, इस पॉइंट पी के ऊपर हमने निकाला था पोटेंशियल वी पी हमने निकाल लिया था, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ एलिमेंटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने लिया था कि मान लीजिए ये डी फाई हो गया एंगल, और ये हो गया एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ये वाली हमने कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर हमने पोटेंशियल निकाला था। उसी पोटेंशियल को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वी पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, बशर्ते आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होगी। तो आपको पता हो तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाली एक्सप्रेशन आती है इस प्रकार से, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन यदि हम यहाँ पुट कर दें तो अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, अपने पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में यूज कर करके रखें तो ठीक है। अरे कर दोगे क्या, इस क्वेश्चन को आगे कर दोगे सोल्व, इस पॉइंट पी के ऊपर हमने पोटेंशियल निकाला था, जैसा तो हम एक बार तो हमने निकाल लिया था प्रीवियस लेक्चर में, यदि आपको वापस से बताएं तो कैसे करेंगे, सिंपल,
वी पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। पी जो है उसकी डिस्टेंस है जेड अपने पास, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस अपने पास हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपने पास हो जाएगा, और ये अपने पास हो गया डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम निकालें पोटेंशियल माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया जेड माइनस। ठीक है, और इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें, देखिए लिमिट जो इन्फिनिटी टू जेड हो जाएगी, इसका हम इंटीग्रेशन करें जेड अपॉन अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी जेड। तो कैसे करेंगे, सिंपल बाय द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हम करेंगे टी स्क्वायर, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा अपने पास माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट जेड की लिमिट इन्फिनिटी टू जेड माइनस, यहाँ पर देखिए ये टी स्क्वायर, ये टी होगा और टी डी टी हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें देखिए तो टी डी टी आएगा, और यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जीरो आ रहा है सिग्मा अपॉन टू वन माइनस वन रूट। क्या ये वाली एक्सप्रेशन सही है क्या, यदि हम एक्सप्रेशन में हम डालें, देखिए यहाँ पर होगा अपने पास टू जेड डी जेड इज इक्वल टू होगा टू टी डी टी, तो जेड डी जेड होगा अपने पास टी डी टी। तो जेड डी जेड की जगह हम क्या कर देंगे, टी डी टी हम प्रतिस्थापित कर देंगे। टी डी टी हमने प्रतिस्थापित कर दिया, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर किया, यहाँ पर हो जाएगा टी हो गया, और टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और डी टी का कितना जाएगा टी आ जाएगी, लिमिट जो इन्फिनिटी टू जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जेड जो है इन्फिनिटी टू जेड होगी माइनस, यहाँ पर देखिए टी आएगा, और टी की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे कितना है अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इन्फिनिटी टू जेड हो गई। ठीक है, ये वाली तो माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो गई, यहाँ पर बचेगी जेड माइनस, ये वाली इन्फिनिटी वाली टर्म आएगी, और यहाँ से भी इन्फिनिटी की टर्म आएगी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो हो जाएगी कैंसिल, और अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें वी पी जो आया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस जो है वो अंदर ले जाएंगे अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड, इस प्रकार से अपने पास पोटेंशियल की टर्म आती है, और ये वही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व की थी। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था इस लेक्चर में, इस लेक्चर का मकसद ये था, हमें आपको बताना था कि कैसे हम किसी पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, के क्यू अपॉन आर किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण। लेकिन यदि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो यही वाला फॉर्मूला हम ऐसे यूज करते हैं, के डी क्यू अपॉन आर, के डी क्यू अपॉन आर, या जो भी है आर स्मॉल ले लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे करते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, या तो हम ऐसे कर सकते हैं यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डब्लू एक्सटर्नल द्वारा किया गया वर्क डन पर सेकेंड, सॉरी पर चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी बोल सकते हैं ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में, और इसी को हम माइनस डब्लू कंजर्वेटिव हम बोलें ए से बी में, ए से बी में पर यूनिट चार्ज, एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक फॉर्मूला हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का ये भी यूज लेते हैं, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। तो ये वाले जो चार फॉर्मूले हैं इन्हीं से हम सब कुछ सोल्व कर सकते हैं पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को। कैपेसिटेंस भी हम कैपेसिटेंस के अंदर भी कैपेसिटर जो अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट या हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्सेप्ट वो यहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो चार फॉर्मूले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सारे जो कैलकुलेशन हो जाएंगे, जो जितने भी अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, कन्फ्यूग्रेशन चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज होती है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे इसके अंदर, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखे, और फिर हमने थोड़ा बहुत रिवीजन आपको करवाया इसके लिए, ठीक है। तो ये बाकी जो है इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और भी अपने पास बचे हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। होप आपने इन्जॉय किया होगा लेक्चर। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, इन क्वेश्चंस को और इन न्यूमेरिकल्स को वापस से देखना है, प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। जेई लेवल के क्वेश्चन हम लेंगे, जेई मेन्स के क्वेश्चन लेंगे, एडवांस के क्वेश्चन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होने वाला नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।